हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ हम ए और एन को ही सिर्फ कवर करेंगे। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं और लिखते हैं तो हम आर्टिकल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए अच्छे से समझेंगे। लेट्स गो। आर्टिकल को समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है, और जो बचे वह व्यंजन कॉन्सोनेंट 21 होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप ऑफ आर्टिकल को ए एन डी के रूप में तीन रूप में देखा जाता है। यह जो आइकॉन में बना हुआ है सर्कल फॉर्म में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। आर्टिकल इज अ बेस्ड ऑन साउंड, इट मींस यह जो आर्टिकल है वह सिर्फ किस पे बेस्ड है? साउंड पे। किसके साउंड? हिंदी अल्फाबेट के साउंड बेस्ड है। सिंगुलर नाउन, इस फ्लो चार्ट को समझिएगा। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा या फिर उसका पहला लेटर का साउंड यदि हमको देखना होता है, वो भी हिंदी अल्फाबेट के साउंड। यदि वह साउंड वोवेल स्वर है तो हम एन का यूज करते हैं, यदि वह साउंड कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो हम ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, चेयर एक सिंगुलर नाउन है। इसके लेटर, पहला लेटर ले लेते हैं दो, सी एच, राइट। इसका साउंड जो हिंदी अल्फाबेट में चा आता है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए हम ए लगाए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओल्ड मैन, इसमें ओल्ड ओ वॉवेल है और ओ जो है आ पहला हिंदी अल्फाबेट से रिलेटेड आता है, इसलिए हम इससे यहाँ पे एन लगाए हुए। इसलिए यह कोड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल बेस्ड किस पर है? साउंड पे। किसके साउंड? हिंदी अल्फाबेट के साउंड पर। आर्टिकल ए एन का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। हम डिफरेंट टाइप के कंडीशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे और जानेंगे कि हम यहाँ ए लगाएं या फिर एन लगाएं। पहला एग्जाम्पल पढ़िएगा, अनु वॉक्ड डैश डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसकी साउंड में आप आ लिखा हुआ है और यू, ये दोनों कैसे हैं? वॉवेल है, साउंड भी और लेटर भी, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। आई एम ईटिंग एन एप्पल। एप्पल सिंगुलर नाउन, पहला लेटर देखिए, साउंड में ए जो यह है हिंदी वाक का, और ए अल्फाबेट, ये दोनों कैसे हैं? स्वर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वॉवेल एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज डैश डैश डॉक्टर। किसी भी व्यक्ति का पद, जैसे कि डॉक्टर एक पद है, उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से पहले भी हम ए और एन ही लगाते हैं, परंतु हमको पता है कि उससे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि वह साउंड कैसा है। डॉक्टर का डी डी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, हिंदी का भी और इंग्लिश में भी, इसलिए क्या लगा है? ए। इंजीनियर, इंजीनियर को आप पढ़िए, मिस्टर लता, मिस्टर लाल इज एन इंजीनियर। इसमें ई जो कि एक क्या है? स्वर है, वॉवेल है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? एन यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, मिस्टर जोन इज यूरोपियन मैन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में ई जो है वह वॉवेल है, राइट, किंतु हम इसे पढ़ते कैसे हैं? यूरोपियन। साउंड बेस है आर्टिकल, तो यूरोपियन या साउंड आता है हिंदी अल्फाबेट का, जो कि या क्या है? व्यंजन है, इसलिए हमें
ए लगाना पड़ेगा। मिस्टर जॉन इज अ यूरोपियन मेल। गोल्ड इज अ यूजफुल मेटल। यू क्या है? वोवेल। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट में। और यदि हम हिंदी अल्फाबेट में यू को पढ़ें तो या अक्षर आता है, जो कि क्या है? व्यंजन है। इसलिए हमें क्या यूज करेंगे यहां पे? आर्टिकल ए का। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। आई विल बाय डैश डैश न्यू मोबाइल। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एन न्यू मोबाइल, मतलब इस न्यू पे देखिए जो सिंगुलर नाउन में रखा हुआ है वह क्या है? कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट है, सॉरी कॉन्सोनेंट है एन, और इसकी साउंड ना न्यू, राइट, जो कि हिंदी अल्फाबेट में वह भी व्यंजन है। दोनों हिंदी अल्फाबेट में साउंड इसका व्यंजन है, और इंग्लिश अल्फाबेट में देखा जाए तो इसकी जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट व्यंजन ही है। इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे क्योंकि यह साउंड बेस है। आई विल बाय अ न्यू मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। बेंगलोर इज अ बिग सिटी। जो बिग है जिसमें बी कॉन्सोनेंट है साउंड बेस पे भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों अल्फाबेट में आप देख सकते हैं कि बा जो कि साउंड हिंदी अल्फाबेट का व्यंजन है, और बी इंग्लिश अल्फाबेट में ये कैसा है? कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम क्या लगाए हैं? ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। सी इज डैश 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 एनसीसी ऑफिसर। आपको कभी कल शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ चीजें मिल जाती हैं तो हम उस कंडीशन पे कैसे यूज करते हैं? इसका एनसीसी में ऑफिसर में आप इसका पहला अक्षर कैसा है? कॉन्सोनेंट है, राइट, लेकिन इसकी साउंड कैसी है? एन एडी आता है, एन सी सी, राइट। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पहला सिंगुलर नाउन का जो साउंड कैसा है? वॉवेल है, इसलिए हम यहां पे एन लगाएंगे। एन मानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा है? कॉन्सोनेंट है, लेटर है, किंतु यह साउंड जो है वह हिंदी अल्फाबेट का कैसा है? स्वर है, इसलिए हम यहां पे एन लगाएंगे। देयर इज एन एक्सरे मशीन इन दिस हॉस्पिटल। एक्सरे में एक्स जो है आप देख सकते हैं कि यह क्या है? कॉन्सोनेंट है, परंतु साउंड हमारा कैसा है? स्वर है, इसलिए एन लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर राम वॉस डैश डैश ऑनेस्ट। हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं जो सिंगुलर नाउन होते हैं इंग्लिश में, जो कि पहला लेटर साइलेंट होता है। तब हम क्या करें? तब हमें दूसरे लेटर को चेक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ए और एन लगाते हैं। इसमें एच ऑनेस्ट जो लिखा हुआ है जिसमें एच साइलेंट होता है, तो सेकेंड लेटर को पढ़िए तो वह जो ओ है वह आक्षर से शुरू होता है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, जो कि हिंदी अल्फाबेट में स्वर है, और साउंड देखिए, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। रोनी हैज गॉट अ नाइफ। इस नाइफ में देखिए के साइलेंट है और दूसरे लेटर से हमें देखना होता है, इसको पढ़ते हैं नाइफ, तो इसमें ना अक्षर आता है जो कि हिंदी अल्फाबेट का क्या है? व्यंजन है, इसलिए हम कहाँ क्या लगाएंगे? ए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉट से स्टार्ट होते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह
से भी कुछ सेंटेंस बनते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम एन का प्रयोग करते हैं। वॉट डैश डैश ब्यूटिफुल गर्ल सी इज, हमें यहाँ क्या लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बी है यह क्या है, हिंदी अल्फाबेट में बाघ अक्षर आता है जो कि क्या है, व्यंजन है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। व्हाट एन आइडिया सर, इसमें जो आइडिया लिखा हुआ है वर्ड, इसमें आइडिया लिखा वर्ड में आई जो कि एक वोवेल है, और जब आइडिया बोलते हैं तो आ अक्षर आता है जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। आप समझ पाए होंगे कि यह सिर्फ साउंड बेस है, हमको सिर्फ चेक करना होता है पहला लेटर, और वह पहला लेटर का साउंड हमें चेक करना होता है कि वह हिंदी अल्फाबेट का स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है। यदि वह स्वर वोवेल में आ रहा है तो हम एन लगाते हैं, यदि वह कॉन्सोनेंट व्यंजन में आ रहा है तब हम ए यूज करते हैं। कि आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा।